रामटेक लोकसभा क्षेत्र से एनडीए उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे राजू पारवे ने लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले रामटेक गढ़ मंदिर में 200 से 300 करोड़ रुपए खर्च कर मंदिर को आधुनिक बनाने के साथ क्षेत्र के विकास का वादा किया है। एनडीए उम्मीदवार के रूप में महायुति की ओर से मनसर में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में स्थानीय विधायक एडवोकेट आशीष जायसवाल, पूर्व विधायक डी मल्लिकार्जुन रेड्डी सहित भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं की उपस्थिति में सभी नेताओं ने रामटेक लोकसभा क्षेत्र से 3 लाख से अधिक मतों से जीतने का आह्वान किया है। इस राम जन्मभूमि के गढ़ से मैं रामटेक गढ़ से चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा पहला कर्तव्य है कि इस गढ़ को, जो पिछले कई सालों से हमारे आशीष जी जायसवाल वहाँ के विकास के लिए काम कर रहे हैं, हमारे रेड्डी साहब वहाँ के लिए काम कर रहे हैं, उसी कड़ी में ये यहाँ का जो नेतृत्व मैं करूँगा, पहला मेरा काम रहेगा कि वहाँ के गढ़ मंदिर करीबन एक 200-300 कोटी का निधि देके वहाँ की ताबड़तोड़ शुरुआत में करने जा रहा हूँ। और साथ में ही रामटेक निर्वाचन क्षेत्र में जो जो काम जो सेंट्रल लेवल पे पेंडिंग है उसको आते से ही मैं काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ। मैं कभी भी काम पे विश्वास रखता हूँ और मैं उसी वृद्ध वाक्यों के लेके चल रहा हूँ कि विकास काम, विकास ही मेरा काम रहेगा। और सम्माननीय मोदी साहब हमारे जो पंतप्रधान है, जो हमारे लोक नेता है, विश्व गुरु है, उनके नेतृत्व में ये राजू पारवे आने वाले दिनों में काम करने वाले हैं। सर, रश्मि मैडम वैलिडिटी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गई है, अभी हर एक का अपना अपना अधिकार रहता है, हर एक को अपने अपने अधिकार जो संविधान में जिनको जिनको अधिकार है वो अपना अपना काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र TV 24 के लिए अजय मेहर कुरे, रामटेक।